माँ काल का दोस्तों, स्वागत है आपका बोल स्काई में। मैं हूँ आपके साथ दर्शिका सिंह। आज हम आए हैं आस्था के सबसे बड़े दरबार यानी दिल्ली के कालका जी मंदिर। कहते हैं कि यहाँ दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ के दर पर आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है, इसलिए आज हम आए हैं माँ कालका जी के दर्शन करने और आपको भी कराते हैं माँ कालका के दर्शन। अब हम माँ कालका के दर्शन के लिए आगे बढ़े। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानों से प्रसाद खरीदा। यहाँ 50 और 100 रुपए में आपको प्रसाद की थाली मिल जाएगी। हमने 50 रुपए वाला प्रसाद लिया जिसमें पेड़ा, फूलमाला और मुरमुरे शामिल है। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े, एक छोटी सी बच्ची मिली जिसने चंदन और रोली का टीका लगाया। टीके के बदले हमने बच्ची को 10 रुपए दिए और भक्ति के रंग में रंग कर आगे बढ़े। वैसे मंदिर में एंट्री से पहले ही प्रसाद बेचने वाले और टीका लगाने वाले आपको घेर लेंगे, पर आप अपने मन के अनुसार जिससे पसंद आए उससे प्रसाद खरीद सकते हैं। आस्था की डोर यहाँ श्रद्धालुओं को खींच लाती है और आपको अंदर दिखाएंगे कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। और यही वजह है, ये भीड़ इस बात का गवाह है कि माँ कालका पर भक्तों की कितनी बड़ी आस्था है। हम अब मंदिर परिसर में पहुँच चुके हैं। ये आज हम आए हैं नॉर्मल डेज में, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है माँ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि माँ कालका पर भक्तों की अटूट आस्था जो है, और यही है कि दिल्ली वासी यहाँ पर माँ कालका के दर्शन करने के लिए हमेशा आते रहते हैं। नवरात्रि में ये भीड़ दोगुनी तिगुनी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब देखते हैं कि हमारा नंबर कब आता है। ये जयकारे सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं वैष्णो देवी के मंदिर आ गई हूँ, लेकिन ये दिल्ली का कालका जी मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालु माँ के जयकारे लगा रहे हैं। कालका देवी मंदिर देवी शक्ति यानी दुर्गा के अवतारों में से एक को समर्पित है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकोट पर्वत पर विराजमान कालका जी मंदिर के नाम से विख्यात कालका मंदिर देश के प्राचीन सिद्धि पीठों में से एक है। इस पीठ का अस्तित्व अनादि काल से है। माना जाता है कि हर काल में इसका स्वरूप बदलता है। मान्यता है कि इसी जगह अघात शक्ति माता भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई और असुरों का संहार किया। तब से ये मनोकामना सिद्धिपीठ के रूप में विख्यात है। कहते हैं कि महाभारत काल में पांडवों ने जब युद्ध पे जाने से पहले यहाँ माँ कालका के दर्शन किए थे और वो युद्ध में विजय भी प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे जो भी आता है अपनी श्रद्धा लेके, अपनी भक्ति से और अपनी सभी मनोकामनाएं लेके वो माँ कालका पूर्ण करती है। फाइनली अब माँ कालका के दर्शन के लिए मेरा नंबर भी आ ही गया। इस भीड़ में मशक्कत करते हुए मैंने भी दर्शन कर लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी सी गुफा है, तो बता दूं कि यहाँ से आप माँ के चरणों के दर्शन कर आशीर्वाद ले सकते हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर ही मैंने परिक्रमा कर ली, लेकिन इसके लिए हमने पुजारी जी से बहुत निवेदन किया, उसके बाद ही अनुमति मिल पाई। फिर मेरी मुलाकात यहाँ के पुजारी ब्रिज मोहन जी से हुई। उन्होंने माँ कालका के प्रसाद के रूप में लाल चुनरी और भोग के साथ सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दी और उनसे मंदिर के इतिहास, महत्व और मान्यताओं को लेकर बहुत सारी बातें जानने को मिली। पंडित जी, माँ कालका जी ने क्यों कहा जाता है?
ये एक्चुअल में काली माँ का रूप है, शांत रूप है, इसलिए इनको काली माँ कहा जाता है। ये एक्चुअल में जो है शांत रूप है, जब भगवान शिव ने, जब माता पार्वती ने, जब काली ने जब पैर रखा था, तो वो वाला रूप है। लगभग 5,500 साल पुराना इतिहास है। अब यहाँ पे जो है कुल मिला के पांडवों ने जो अपने उसकी पूजा करी थी, वो यहीं पे करी थी। इंद्रप्रस्थ जो जगह थी, तो पांडवों ने यहीं पूजा करी थी। ये सामने अगर देखेंगे तो हवन कुंड है सामने, क्योंकि जो उन्होंने जो अपना वो शुरुआत करी थी खांडवप्रस्थ, जैसे पहले इसको खांडवप्रस्थ बोलते थे, तो बाद में ये इंद्रप्रस्थ बना, तो उसकी जो वो करी थी पांडवों ने जो हवन करा था, सबसे पहले भूमि पूजन यही करा। इस मंदिर का निर्माण किसने किया? ये कुछ तो पांडवों ने मतलब उस टाइम पे हो रखा था, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग बागों ने धीरे धीरे इसका हो करा। इस मंदिर में 2 दिन, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि नवरात्रि के टाइम पे अष्टमी के दिन सुबह आरती होती है, उसके बाद से सीधा दशमी की सुबह आरती होती है। इसके पीछे की वजह, मतलब ये है कि भाई माता रानी जो है ना, फिर भवन को छोड़ देती है और चारों तरफ घूमती है, तो उस दिन कपाट खुलते हैं। कपाट खुले रहते हैं 24 घंटे, मतलब वो पूरे कपाट जो है ना पूरे टाइम खुले रहते हैं। ग्रहण में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, लेकिन कालका जी मंदिर खुला रहता है। ये कुछ मिला के मतलब इस तरह का मंदिर है कि सारी की सारी मतलब तंत्र विद्याओं से वो है कि इसके ऊपर जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ता, ग्रहण का, मतलब या सूतक हो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस मंदिर की ऐसी कोई चमत्कारिक घटना जो आपने आंखों देखी हो? ये चमत्कारी तो मतलब इसमें बहुत सारी चीजें है कि भाई अच्छे, अब क्या मतलब कितनी चीजें बताऊं, बहुत सारी चीजें है। मतलब एक तो मेरे साथ ही है कि एक बच्ची जो है मतलब वो जो है आती थी मंदिर पे, मतलब वो जो है 6 महीने से बीमार थी, और मतलब इवन के कपड़े भी नहीं पहन पाती थी, तो मतलब मेरी खुद की सेवा चल रही थी, तो मैंने जो है पहले दिन आरती में उसको छींटे वगैरह लगाए, वो 2 दिन बाद जो है उसके दाने वाने आंखों तक दाने हो रहे थे, वे सारे ठीक हो गए। मतलब अगर कोई बीमार भी हो तो उसका भी मतलब ये है कि मतलब उसकी क्षमता के हिसाब से मतलब उसका जो है मतलब हो। कोई और रोचक घटना इस मंदिर की? जैसे बाहर जो हमारे जो बाहर शिवलिंग है ये जो है, तो इसका एक बार जो है मतलब भीड़ हो जाती है, तो उसको कोशिश करा था वहां से उसको हटा दिया जाए, पर जब उसकी खुदाई करनी शुरू, लगभग 60-70 फीट खोलने के बाद भी उसका नीचे कुछ वो नहीं मिला, तो उसको वापस बंद करा। और मतलब इतने भक्त आते हैं यहाँ पे, सब अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं, आपकी कोई ऐसी मतलब मनोकामना हो जो? तो श्रद्धा इसके बाद इस परिवार में पैदा हो गए, सारी सेवा कर रहे हैं, इसके बाद मतलब बचा ही क्या है, मतलब कालका जी का आपको पूरा आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितने साल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? मैं मतलब मेरे को जो है लगभग आज जो है मतलब अराउंड 18 ईयर्स हो गए हैं, नॉन स्टॉप डेली आते हैं। यहाँ पुजारी डेली चेंज होते हैं? एवरी मंथ सेवा चाहिए होती है, तो काफी बड़ा परिवार है। यहाँ पे आरती का और भोग का क्या टाइमिंग है? अब सुबह जो है मतलब अब जो है 4:30 बजे मॉर्निंग में, 4:30 से 6:30, और शाम आरती होती है, और शाम को 7 से लगभग 8:30-9 बजे तक, और 11:30 बजे के आसपास भोग, और शाम की आरती, 7 से 9 बजे। आने का बेस्ट टाइम क्या है यहाँ पे? मंदिर आने का तो बेस्ट टाइम सारे बेस्ट टाइम है। नहीं मतलब अगर कोई आ रहा हो और एकदम जैसे मंदिर कुछ घंटों के लिए बंद भी रहता है ना, बेस्ट टाइम तो फिर ये है कि भाई आप जो है 7 बजे के बाद आओ, या फिर सुबह और या फिर 7 से कितने बजे तक? 7 से 11:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है, 11:30 बजे अराउंड 15 मिनट्स के लिए बंद होता है भोग के लिए, फिर उसके बाद खुल जाता है, शाम को 7 बजे बंद होता है आरती के लिए। तो 1 घंटे के लिए बीच में बंद भी नहीं होता? ना बीच में बंद होता, ऐसा मतलब दिखाया गया था टाइम पहले जो है हुआ करता था, पर अब जो है मतलब वो जो है ना हो नहीं पाता, मतलब वो सफाई जो है बिना बंद करे कर दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार स्वर्ग के देवताओं ने असुरों के द्वारा सताए जाने पर मां भगवती की पूजा शुरू की। देवताओं से प्रसन्न होकर मां ने कौशिकी देवी को अवतरित किया, जिन्होंने अनेकों असुरों का संहार किया, लेकिन रक्त बीज नाम के असुर का वो वध नहीं कर पाए। इसके बाद मां भगवती ने अपनी भ्रुकुटी से महाकाली को प्रकट किया और रक्त बीज का वध किया। मौजूदा मंदिर को बाबा बालकनाथ ने स्थापित किया। उनके कहने पर मुगल साम्राज्य के कल्पित सरदार अकबर शाह ने इसका जीर्णोद्वार करवाया। वैसे इस मंदिर में आपको एक चीज बहुत खास देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये मंदिर बाकी मंदिरों से काफी अलग है। इस मंदिर में 12 द्वार हैं, जो 12 महीनों का संकेत देते हैं। हर द्वार के पास माता के अलग अलग रूपों का चित्रण किया गया है।
वहीं बाहर परिक्रमा में 36 द्वार हैं, जो मात्र कथाओं के अघोत है। हर दरवाजे के बाहर 3 द्वार माँ भगवती के त्रिगुणात्मक स्वरूप सत्व रज तम का परिचय देते हैं। मंदिर के द्वार के सामने 2 शेर की मूर्ति स्थापित है। वहीं आगे यज्ञशाला बनी है, जहां समय समय पर शक्ति के साधक यज्ञ करते हैं। मंदिर के भीतरी हिस्से में बने भित्ति चित्र काफी आकर्षक है, जिनको देखकर मंदिर की भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। ये है भैरव मंदिर। कहते हैं कि जहाँ भी सिद्धि पीठ होती है वहाँ पे भैरव मंदिर जरूर होता है। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पे भी जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तब तक दर्शन पूरे नहीं माने जाते। भैरव मंदिर मन मोह लेने वाली ये भव्य और दिव्य तस्वीरें मंदिर में माँ कालका को भोग लगाने के समय की है, जब वहाँ मौजूद हर किसी का सिर श्रद्धा से झुक गया। मंदिर के बाहर लगे छोटे छोटे घंटी वाला ये झूमर आरती और भोग के समय बजाया जाता है, जो सच में काफी अद्भुत है। माता के विशिष्ट भोग का समय सुबह 11:50 से है। इस दौरान मंदिर में एंट्री बंद हो जाती है, लेकिन सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए, जिसमें 6 से 7 तरह के व्यंजन और पकवान माँ कालका को चढ़ाया जाता है। वहीं आरती के वक्त बूरा और पंचमेवा का भोग लगाया जाता है, क्योंकि माता को सात्विक राजसी और तामसी तीनों तरह के भोग लगाए जाते हैं। वहीं माँ कालका का रोज सुबह श्रृंगार करने के बाद आरती की जाती है। मंदिर में सुबह और शाम 2 बार आरती की जाती है। शाम को होने वाली आरती को तांत्रिका आरती के रूप में जाना जाता है। यहाँ दिख रही भक्तों की भीड़ आम दिनों की है। नवरात्रि में माँ के दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते, क्योंकि नवरात्रि में बहुत ज्यादा श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित होती है और पहली नवरात्रि के दिन लोग मंदिर से माता की जोत अपने घर लेकर जाते हैं। अगर आप माँ कालका के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ पर आके आप महाकालेश्वर और हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। ये उसके जस्ट बगल में ही ये मंदिर है। ये जो बड़ा सा ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ नवरात्रि में मेला लगता है। मान्यता है कि अष्टमी और नवमी को माता मेला में घूमती हैं। तो अगर आपने भी कोई मन्नत मांगी है तो भला क्यों देर करे और माता के दरबार में हाजिरी लगाइए, क्योंकि माँ कालका हर किसी की मनोकामना पूरी करती है। यहाँ आने के लिए आप मेट्रो से अगर आते हैं तो कालका जी मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है और आप यहाँ आकर माता के दर्शन कर सकते हैं। तो आज आपने हमारे माध्यम से माँ कालका जी के दर्शन किए। उम्मीद करती हूँ आपको माँ कालका जी मंदिर से जुड़ी सभी जानकारियाँ पसंद आई होंगी। तो बोलिए आप भी कालका मैया की जय।